ये बिटे बुटे गिरी हुए हैं, फुल गंदगी मची हुई है। अगर इसको मैं धुलवा भी लूंगा ना तो इतनी नहीं चमकेगी जितना वली भाई ने कहा कि मैं चमका के तुम्हें दिखाऊंगा। वो कॉन्सर्ट करा लें यहाँ पे, इतने ऊंचे गाने लगाए हैं। टाइम आ गया आपको फाइनल प्रोडक्ट दिखाने का, ठीक है, कि गाड़ी किस तरह के लश्कारे मारी है, घर पे लाके हमने खड़ी की है। फिर आप आओ जरा, हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, क्या चाल है? दिस इज योर बॉय मूसा खान एंड वेलकम बैक येट टू अनदर व्लॉग। अगेन हम आज व्लॉग शुरू करें कवाली से। कवाली जो ये रेस्टोरेंट है स्लैश हुक्का लाउंज, आप कहोगे यार आप अपना घर ही बना लो यहाँ पे, मैं भी सोच रहा हूँ। काफी ज्यादा जगह तो है यहाँ पे, ठीक है, इस वाली चेयर पे हम आराम से सो सकते हैं, इस पे वली भाई मेरे साथ बैठे हुए। बड़ा कन्वीनियंट भी है क्योंकि रात को 2 बजे बंद होता है और बाकी सारे रेस्टोरेंट बंद है। एग्जैक्टली, तो यू नो जब भी हमने रात को तलब हो तो हुक्का भी पी सकते हैं, चाय भी देते हैं, चाय भी। और यहाँ पे बड़ी सेक्सी सेक्सी गाड़ियां भी खड़ी होती है, कोई बाजार सौदा लाने जाना किसी की गाड़ी में बैठ जाओ, है ना? बिल्कुल सही है। हमें जाना है अपनी जो बीमर है ना उसको जरा चिकना क्लीन करवाने, वो हम लेटर हाफ में करेंगे। अभी पहले हाफ में ना 2 Q&A के सवाल हैं जो वली भाई ने खुद देखे थे और कह रहा था तुम्हारे लास्ट Q&A वैसे ना मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। व्हाट वुड आई टेल माय पास्ट सेल्फ और इफ आई वाज अ टीनेजर अगेन, तुम क्या करोगे? तुम तो मेरे से भी 5 साल बड़े हो। कितना एक पास्ट में तो ओ लेवल्स वाले वली को क्या कहता है जो ए लेवल्स में था, ओ लेवल्स में है? तुमने जवाब दिया था उसमें, तुम्हारी टॉप एडवाइस क्या थी जो तुम्हारे ओ लेवल्स वाले मूसा को देनी थी? स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन, मेरा पर्सनल ये था कंटेंट क्रिएशन से मेरे लिए उस वक्त बहुत डोर्स ओपन हो जाते और मैं एक छोटा सा बिजनेस बाइंग और सेलिंग का कुछ स्टार्ट करता उस वक्त। आई वुड हैव बीन इवन मोर कंफर्टेबल एंड इवन मोर लाइक लोगों से कनेक्शंस बनते हैं मेरे ज्यादा। दूसरा कुछ बुक्स हैं सेल्फ हेल्प बुक्स जो मैंने अपने पिछले क्यों ने बताई थी, उनको पढ़ता तो बहुत नॉलेज आती। तुम्हारा क्या आंसर होगा? बंदे को इंडिपेंडेंट होना चाहिए अपने यू नो पेरेंट्स से। कैसे करे पाकिस्तान में बच्चा, तो पता है वहाँ पे तो ना जॉब मिलती है छोटे लड़कों, कर भी नहीं सकते कहीं जॉब, छोटे लड़के लेने जाए तो सैफू जानू वाला सीन हो जाएगा उनके साथ, मोलेस्ट हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये नहीं कि आप किसी वर्कशॉप जाके काम करना शुरू कर दें या यू नो घर छोड़ के भाग जाएं। कहने का मतलब ये है कि जितने ऑटोनोमस डिसीजन हो सकते हैं ना वो आपको लेने आसान, चाहिए। ऑटोनोमस क्या ऑटोनोमस डिसीजन, लेट्स से कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको यू नो कहीं का रास्ता भी बताते हैं ना, तो वो आपको एक एक गली का बताते हैं। माइक्रो मैनेज नहीं करने देना किसी को अपने आप को, ज्यादातर डिसीजन खुद लेने। फिर वो पेरेंट्स कहते हैं तो लड़का ही खराब है गंदा है, हम तो उसको मतलब मुंह ही नहीं लगाते, फिर उसको साइड लाइन कर देते। जो देसी पेरेंट्स का मैंने माहौल देखा ना, जो उनका टट्टू होता है ना वो सबसे ज्यादा फेवरेट होता है, जो उनको शिकायतें ला के देता है वगैरह ना वो सबसे सेफ फेवरेट सिबलिंग होता है, लेकिन लॉन्ग ट्रेंड में उसकी डिस्ट्रक्शन होती है, ये मैंने बात नोटिस किया है। जो भी है ना, मैं अगर अपने पास वाले वली के पास चला जाऊंगा ना तो मैं उसको जो चीजें भी समझाऊंगा उसकी समझ में आएंगी ही नहीं और मुझे उसको देख के गुस्सा भी बढ़ाएगा। दो रैप्टे भी कराने पड़ेंगे मुझे, अपने आप को मारना भी पड़ेगा। लेकिन एक चीज बता ना, ये तो तूने इधर उधर की बात कर ली, मारेगा अपने आप को कैसे बंदा? हमारे पास में जाके एवेंजर्स थोड़ी चल रहा है, तो कैप्टन अमेरिका कितना लड़ेगा अपने आप से, क्या करेगा? आई थिंक साइकोलॉजी पे ज्यादा ध्यान दिया करें। जितनी आपकी एजुकेशन जरूरी है, जितनी आपकी टेक्निकल एक्सपर्टीज जरूरी है ना, उतनी ह्यूमन साइकोलॉजी भी जरूरी है। आधी जो डीलिंग होती है ना वो बॉडी लैंग्वेज, और अगर आपने किसी बंदे को रीड करना है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज आपको ज्यादा बता सकती है बजाय उसके अपने मुंह से निकले हुए वर्ड से। सिंस आज व्लॉग हमने गाड़ी पे अपना करना है, तो तुम्हारी ड्रीम कार कौन सी होगी? मैंने तो यूजुअली लोगों को कहा लैम्बो होगी ना, लैम्बो से बहुत बेहतर ऑप्शन है, मुझे पता है कॉर्वेट सस्ती है लैम्बो से, रिस्क के लिए तो वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं लैम्बो से पता नहीं क्या अटैचमेंट जुड़ी हुई है। फरारी भी उस दिन मैंने आपको दिखाई थी व्लॉग में, वो बड़ी सेक्सी है, बट तुम्हारी क्या होगी? क्लासिक गाड़ी है ना, मेरे ख्याल में रोल्स रॉयस है। तो लग्जरी की तरफ, लग्जरी की तरफ नहीं, अगर तेरे पास 100K से 200K हो तो क्या मतलब तू गाड़ी लेगा? 100 से लेके 200K तक रोडस्टर भी आ रही है टेस्ला की, वो भी अच्छी ऑप्शन है। अगर मेरे पास 100K से कम होना, मैं पोर्श 911 बहुत अच्छी है। पोर्श 911 तो नहीं आएगी 100K में, क्लासिक गाड़ी जो है ना स्पोर्ट्स कार में एस्टन मार्टिन है, लैम्बो तो हर चूड़े के पास है। चल मैं शायद अपनी ड्रीम कार पर बदल लूं लैम्बो से, ड्रीम बंदे की बदलती रहती है यू नो। खैर एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स, अभी खाना हमने मंगवाया, चिकन कबाब मैंने मंगवाए और वली भाई ने मंगवाया क्लब सैंडविच और हमने विंग्स मंगवाए, तो उसको जरा आपका रिव्यू करते हैं। आप क्या आगे खाऊंगा जरा चेक करना जरा। ओए होए होए उठा जरा, ये स्टिक तो निकाल ले, मुंह में चली जाएगी पागल नहीं हूं कि स्टिक का केचप में डबो बड़ा मजा है। एक्चुअली मजा है, एक्चुअली मजा है, जिंदाबाद पुत्र, मजा आ गया। फ्राइज बहुत मजे के हैं, कहाँ खाए थे ऐसे फ्राइज? ये कहीं भी नहीं खाए। कल खाए नहीं नहीं, कल से डिफरेंट है अल्लाह की कसम। इसको मैं कॉमेडी सुना रहा हूँ यहाँ पे, बहुत हंसी आ रही है इसको, देखो जरा ऐसे फ्राइज मैंने कहाँ खाए, मेरे परसों खाए थे इधर ही बैठ के, जो सारे मिल के हमको पागल बना रहे हैं। चल एक बाइट कर आप सैंडविच वली भाई का ट्राई करें। वाकई बड़ा मजे का यार, हमारे विंग्स भी आ गए हैं जैसे आप चेक कर सकते हैं, बारबेक्यूड विंग्स हैं और ये लेमन पेपर वाले। कौन से तुझे खाना पसंद है? राइट वाला में से 3 देते मुझे और लेफ्ट वाला में 3 देते कुछ भी कही जाता है। इसमें डिप करेंगे हम, थोड़ा सा ज्यादा ऑयली है वाला, लेकिन टेस्ट बहुत मजे का, गर्मा गर्म बना के लाए जूसी जूसी बारबेक्यू वाला।
जो बहुत जैसे ग्लेजिंग कर रहा है हमारे साथ धोखा ऑफ टाइम्स हो गया। मैंने उनको कहा था कि कबाब चाहिए, चिकन कबाब। कौन सी देश के चिकन कबाब है मुझे समझ नहीं आई। लाइक कबाब लग नहीं रहा मुझे, कबाब तो गोल गोल राउंड राउंड नहीं होता जहाँ तक मुझे याद है, जिसको यूं यूं करके लगाते थे। अब जो है देखा जाएगा, कबाब टेस्ट टेस्ट करते हैं। ठीक है, नॉट बैड एक्चुअली। चावल अच्छे हैं, सॉस अच्छी है और चिकन मेड है, बट इट्स स्टिल प्रीटी, इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। कबाब नहीं है। See you guys tomorrow, inshallah. So, haan bhai, boys and girls, this is the next day, and aaj humne ab gaadi dhul. तो हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज द नेक्स्ट ईयर सीन। ये कि अब हमारा टाइम आ गया गाड़ी को धुलवाने का, जो बीमर है। ठीक है, तो बीमर पे अगर आप चेक कर सकते हो, अभी ये बिट्टे बुट्टे गिरी हुए हैं, फुल गंदगी मची हुई है। अगर इसको मैं धुलवा भी लूंगा ना, तो इतनी नहीं चमकेगी जितना वली भाई ने कहा कि मैं चमका के तुम्हें दिखाऊंगा। ये चेक करो, उसके ऊपर सारे छोटे छोटे गंद के पीसेस लगे हुए हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे, और यहाँ से अगर आप देख सकते हैं। अच्छा यार, मुझे किसी ने कहा था इसकी लाइट्स को भी बफ कराना है। देखो जल्दी से जो है ना, $50 मिनिमम करें, हम करा लेते। कहते हैं मेरे से बर्दाश्त नहीं होती एज अ कार गाय ना, कि गाड़ी की जो लाइट्स है ना बफ नहीं हुई। किसी ने कहा था ये इसको ना गाड़ी को प्रोजेक्ट बना लो अपनी ना, और इस पे अपग्रेड्स वगैरह कराओ। वैसे बात तो उसने ठीक किया, थोड़ी सी वो हाँ गंदी हुई है वाकई। ये देखना जरा कि कितना फॉगी फॉगी हुआ है सारा सीन। अच्छा वली भाई, असल में कह रहे हैं कि मेरे पास ना कार को ना तूने वैक्स वाली करानी ना, तो उसके लिए स्प्रे मंगवाए स्पेशल, तो ये यूज करते हैं। इसके लिए हम रिम्स के लिए कर सकते हैं यूज, इसे है ना, कर तो सकते हैं। रिम्स के लिए अलग ब्रश होना चाहिए, लेकिन अच्छा कोई नहीं, हो जाएगा यार। मकसद ये है कि लश्कारे मारे। हाँ तो हमने बेसिकली आज इसको लश्कारे करवाने हैं। करता है यार गाड़ी का ना ऐसे मिशन बना के बंदा इसका मतलब काम वगैरह करे सारा। बीमर का बस ये यार, काम बड़े महंगे होते हैं भाई इसके। इसकी कोई भी चीज, अभी मैंने इसका बेसिकली स्किड प्लेट होती है वो उतर गई थी यार, वो फिर मुझे सारी उतरवानी पड़ी, अब वो नहीं लगवानी है। वो एक BMW वाला बंदा था, वो कह रहा था कि अगर नहीं उतरवाओगे ना, नीचे स्किड प्लेट होती है जो नहीं होती, इसको प्रोटेक्ट करती है। तो एक मैकेनिक ने कहा था उसको लगाने की जरूरत नहीं है दोबारा, लेकिन एक BMW के वर्कर ने कहा था कि वो उसको ना उससे प्रोटेक्ट करती है हीट से और चीजों से ना, तो इंजन आपका रॉट हो। मेरा बैंक बैलेंस ही करती है। नहीं, वो BMW का मैकेनिक था किसी और की कार शॉप में, उसने कहा था इसका ऑयल लीक भी हो रहा है मेजर, मोबिलाइल वो लीक हो रहा है नीचे से, वो भी सही कराना है, इसलिए मैं चला नहीं रहा था बड़े से। ये दो तीन काम है इसके करा लेंगे, फिलहाल अभी हमें इसको डिटेलिंग करा के चमकाना है। सीट बेल्ट तो पहन लो, पुलिस पकड़ लेगी हमें। जी बड़े भाई, थैंक यू। और नाम क्या है? सारे मैकेनिकों के पेट क्यों उतरे निकले होते हैं? ये बियर बड़ी पीते हैं अमेरिका में ना, तो उनके सबके बियर गट पर निकली होती है। हाँ मुश्किल है, क्या करें, थोड़ा सा सुरूर ले लेते हैं। हमारी गाड़ी की थपड़ो थपड़ी हो रही है, तो मैं कह रहा वली भाई का शीशा नीचे कर दो। मैं तो नहा लूंगा, तो गाड़ी की सीटें कैसे साफ करेगा? शिट, मेरी बदन से तो सोप उतर दे, गाड़ी से कैसे उतरेगा? ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। ये बात पूरे बीच में पहले डिटेलिंग करें, वैक्यूम मारे, पहले अंदर से साफ कर लेता ना। चल चल शुरू कर तू, मैं ब्लॉक, ये मैं करता हूँ, तू ब्लॉक करना। चलो आ जाओ जी, बाहर आ जाओ। मामू मेहमान से काम करवाएगा ना? बात तो सही। तभी ना इसका वैक्स करने से ऊपर ना, पहले हम इसका ना सारा गीला कपड़ा मार के से साफ कर लेंगे, ठीक है, पानी वाला। तो कॉन्सर्ट करा लें यहाँ पे, इतने ऊंचे गाने लगाए हैं यहाँ, मुझे लगता है आपस में कोई बंदे बात ही नहीं करते। चेक करते हैं जो वली भाई जिसके दावे दे रहे थे कि हम वैक्स इस पे करेंगे तो कैसा लगेगा सीन। एजेंट की गाड़ी लग रही है किसी गवर्नमेंट के। हाँ बेटा, यहाँ पे वीगो बॉयज ऐसे दिखते हैं, सब अर्बन चलाते हैं, साथ में उन्होंने सूट शूट पहना होता है। कोई नहीं, इसकी टाई खींच देता है, यूं करके स्कूल पर ही उधर टाई खींच के लटक जाता है। समोसा बन जाएगा टाई का, कहेगा यार तुमने क्या कर दिया यार, तुमने टाई मेरी खराब कर दी यार। जब तक सही करेगा टाई हम भाग लेंगे। लूनी टून चल रहा है ना, उसकी टाई खींचेंगे और परेशान हो जाएगा। टाइम आ गया आपको फाइनल प्रोडक्ट दिखाने का, ठीक है, कि गाड़ी किस तरह के लश्कारे मार रही है। घर पे लाके हमने खड़ी की है, पहले तो आप देखो एक हमारे सिमिलरली साइड पे काली रंग की गाड़ी खली है, ताकि आपको ना कॉन्ट्रास्ट पता चले भी है। हंडे सोनाटा, ठीक है, ये भी साफ ही, इतनी बुरी नहीं है, लेकिन फिर आप आओ जरा। ओए होए होए होए, माशाल्लाह नजरे बद से बचाए यार। ये फॉग लाइट्स वाला सीन है ना, इसका कुछ करेंगे, लेकिन चेक करो इतनी चमकीली है कि HD शीशा प्रिंट आपको मुंह में नजर आएगा अगर आप देखोगे भी ना उसके अंदर। असल में थोड़ी हवा हुआ लगी ना, वो ड्राई हुई है वैक्स, तो उसके बाद असल रिजल्ट निकला है। अगर आप सारी डिटेलिंग साइड से देखें तो सेक्सी तरीन लग रही है सो गाड़ी, ठीक है, पीछे से भी देखो उसको, तो ये चेक करो जरा कितनी चमक रही है माशाल्लाह। लेकिन तुझे पता है इसका एक नुकसान क्या है? जितनी आपकी गाड़ी चमकती ना, उतना ही कोई आगे ठोकता उसके अंदर। साफ नहीं हुई ये देखो, ये क्या बोली सारा। क्या बोली? तो ये चाट के साफ करूं मैं, और कितना साफ करना है? कैसे अंकल बशीर बन के हाथ बांध के पीछे घूम रही है? ये हाथों के निशान ही मेरे डले गलती से। इंस्पेक्शन है,
सारा गंदा है अभी तो, ये भी देखो क्या बोली ये भी गंदा है और मैं कैसा हूँ? मैं भी गंदा ही हूँ। तो और क्या है, कार्टून नेटवर्क थोड़ी चल रहा है, उसके ऊपर तुम्हें स्पार्कल्स भी नजर आएंगे। इसको वापस भेजो अंदर, दूसरा जज लेके आओ, कैटो को बुलाओ अंदर से। ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। स्पेशल शॉट आउट टू वली भाई, उन्होंने हमारी काफी हेल्प की सीन में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय मूसा खाना एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी एंड वली भाई ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है? एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन टिकटॉक। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग इंशाल्लाह।